भारतीय किसान यूनियन भानु किसान सरकार संगठन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 21 मांगों को लेकर मिलने का समय मांगा है। प्रवास पर राजधानी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को मध्य प्रदेश में हर किसान ट्यूबवेल की लाइट का बिल माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को किसानों के लिए 50% तक की कटौती टैक्स में करना चाहिए, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा मिलेगी और खेती का लाभ धंधा बन पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलने का समय दिया और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वह आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सड़कों पर उतरेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। संजय त्रिपाठी, किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? भदौरिया साहब ने बताया वही 5 मांगे हैं, जो पानी का है और MSP का है, सब चीजें जो भी बताया उन्हीं के संदर्भ में हम लोग CM को ज्ञापन देंगे। अभी तो डेट तय करेंगे, उसके बाद भी आज तो सिर्फ पत्रकार होता है। उससे पहले आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हमारे आंदोलन में यह है, हमने सच्चाई का रास्ता पकड़ा है, किसान की जो हकीकतें हैं वो ली हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें जो योगी जी का सपोर्ट किया पूरे उत्तर प्रदेश तौर पे, कहीं किसानों को अच्छा लाभ दिया गया है? कहीं लाभ नहीं, किसान का बीमा है कहाँ, आप बताओ ना। प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा जो है उसमें सीधा लिखा गया कि प्राकृतिक आपदाओं पर भुगतान नहीं किया जाएगा। तो जो अभी फसल बीमा हुआ वो किस चीज का? आप उसमें पढ़ के देखिए, आप उसमें सीधा लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं पर भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या है? ओले पड़ेगा, बारिश होगी, यही प्राकृतिक आपदा। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं, अगर आपको CM द्वारा बुलाया जाता है तो 5 महत्वपूर्ण मांग बताएं, तो 5 महत्वपूर्ण मांग आपका कौन सा? नहीं, मैं तो 21 ही मानवाऊंगा, मैं 5 क्यों मनवाऊंगा? नहीं, आपसे कहते हैं कि 5 मांग बताएं महत्वपूर्ण, जो भी मंजूर कर लिया, 5 मांग कौन से? पहले तो हमारी किसानों का पानी बिल्कुल फ्री किया जाए, टोटल पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का बिल्कुल ट्यूबवेल सिंचाई जो भी पानी होता है वो फ्री किया जाए, और जितनी भी नहरें हमारी सूखी पड़ी हैं उनमें सरकार पानी की व्यवस्था करे। सरकारी ट्यूबवेल हैं, खराब पड़े हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, DP उठा ली गई, फोड़ दी गई, उनकी व्यवस्था करे सरकार। हर नहर बंबा जो सूखे पड़े हैं किसान को पानी की व्यवस्था कर दो, किसान को आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम जूझ रहा है और किसान की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है और सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान बिल्कुल नहीं देती। अभी बारिश में बाढ़ इतनी नदियों में आई, सारी फसल खराब हो गई, लेकिन किसानों को मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। अभी ओलावृष्टि हुई जिसमें किसानों को जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल देते हैं ना, ऐसे किसानों को डाल 100-100 रुपए किसानों के खाते में आए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो किसान पूरा जीवन अपना खेती भूमि पर निर्भर करता है। और एक बात है किसान की कि किसान का बेटा ही बॉर्डर पर है, किसी उद्योगपति किसी नेता का बेटा बॉर्डर पर नहीं होता है, वो किसान का ही बेटा होता है। इधर खेत में हमारा किसान मरता है, उधर बॉर्डर पे हमारा जवान मरता है। नेता देश में मौज करते हैं, उनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं, ये हमारी देश की स्थिति है। आज हमारी देश की शिक्षा भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज हमारे देश के लड़के विदेशों में पढ़ने जाते हैं। तो कैसे मांग पूरी करवाओगे आपने? मांग के लिए अभी तो हमारा ज्ञापन जाएगा, उनसे निवेदन ही किया जाएगा, सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग संगठन जितने भी हैं सरकार से निवेदन करते हैं, लड़ते नहीं है। यदि किसान ही लड़ेगा तो फिर देश में बचेगा ही क्या? तो किसान और जवान दो ही चीजें हैं। शाम को जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस वक्त किसान का धन्यवाद करना चाहिए। सुबह जब हम जगते हैं तो जवान का धन्यवाद करना चाहिए कि रात में आप जब सोते हो, जब जवान पहरा देता है, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, पहला कोई भी फोर्स हो, रात भर पहरा देता है, तब आप सोते हो सुबह। अभी आपने बात कही किसानों के फसल बीमा, हमारा सपोर्ट किया और पूरा आंदोलन का जितना भी श्रेय था 5 राज्यों में हमने BJP को समर्थन दिया। तो आज मध्य प्रदेश में भी हम ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह हमारी किसानों की बातें माने और हम उनके साथ। अपना नाम बता दो। राबेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।